नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास की कथा का छठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मार्गशीर्ष मास की कथा का रसपान करना है तो हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास की कथा के अध्याय पहले से ही कुछ अपलोडेड हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास का छठा अध्याय। एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश के शिखर पर विहार कर रहे थे। उस समय पार्वती जी का सौंदर्य खिल रहा था। इसे देखकर भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे कि नारी का जन्म अत्यंत शोभनीय है। फिर उन्होंने प्रेम से विभोर होकर पार्वती जी का मुखमंडल स्पर्श करते हुए कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी कृपा से मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। तब पार्वती ने कहा कि शंभु, आपकी कौन सी इच्छा है बताइए, मैं उसको अवश्य पूर्ण करूंगी। तब शिव जी ने अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि तुम मृत्युलोक में पुरुष रूप में अवतरित हो और मैं स्त्री रूप में अवतरित होऊंगा। इस समय तुम्हारा जिस तरह मैं पति हूँ और तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, उसी प्रकार का दंपत्य जीवन उस समय भी हो, यही मेरी इच्छा है। भगवान शिव की बात सुनकर पार्वती मुस्कुरा उठी और कहा कि प्रभु, आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य मृत्युलोक में पुरुष के रूप में अवतरित होंगी। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पृथ्वी पर वासुदेव के घर पुरुष के रूप में जन्म लूंगी, लेकिन महादेव, आपको भी मेरी प्रसन्नता का ध्यान रखना होगा। भगवान शिव उत्सुकता पूर्वक बोले, देवी शीघ्र कहो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? तब उन्होंने कहा कि आपको भी स्त्री रूप में अवतरित होना होगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारी प्राण सृदस्य वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में प्रकट होकर तुम्हारे साथ विहार करूंगा। इसके साथ साथ मेरी 8 मूर्तियां भी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती आदि पटरानियों के रूप में अवतरित होंगी। यह सुनकर भगवती पार्वती ने कहा कि प्रभु, तब तो मैं आपको मूर्तियों के साथ यथोचित विहार करूंगी, जैसा ना तो किसी ने किया होगा और ना कभी सुना गया होगा। जया व विजया नाम की 2 मेरी सखियां उस समय श्री राम व वासुदेव के नाम से पुरुष रूप में प्रतिष्ठित होंगी। पूर्व काल में विष्णु के साथ मेरी प्रतिज्ञा हुई है, इसके अनुसार उस समय जब मैं श्री कृष्ण होंगी, वे मेरे बड़े भाई होंगे। वे बड़े महान बलशाली व अयुद्ध धारण करने वाले बलराम के नाम से जाने जाएंगे। इस प्रकार मैं पृथ्वी पर अवतरित होकर देवताओं के कार्य संपन्न करूंगी तथा महान कीर्ति स्थापित कर पृथ्वी से वापस आऊंगी। पूर्व काल में भगवती और भगवान विष्णु ने जिन राक्षसों का संहार किया था, वे द्वापर के अंत में बहुत से राजाओं के रूप में उत्पन्न हो गए हैं। उनके भार को न सह सकने के कारण पृथ्वी गो रूप धारण कर समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई और बोली, ब्रह्मा, पूर्व काल में जो महान राक्षस मारे गए थे, वो इस समय दुष्ट चरित वाले राजा बन चुके हैं। ऐसे लोगों का संहार का उपाय कीजिए। तब पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवती को प्रणाम करते हुए कहा कि माते, आपने और विष्णु जी ने जिन जिन व्यक्तियों और दानों एवं राक्षसों का संहार किया था, वे सभी बड़े दुराचारी राजा हो गए हैं, उनका वध करना जरूरी है। तब भगवती ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं स्त्री रूप में उन राजाओं का वध नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों ने भक्ति पूर्वक मेरे स्त्री रूप का आश्रय
ग्रहण किया है। लेकिन मेरी जो भद्रकाली की मूर्ति है वह वासुदेव के घर में पुरुष रूप में जन्म लेगी। वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में श्याम अवतार लेंगे। वे कंस आदि दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे। भगवान विष्णु भी अपने अंश में उत्पन्न होकर महाबली अजर्ण के रूप में प्रसिद्ध होंगे। धर्मराज युधिष्ठिर होंगे, पवन देव भीमदेव होंगे, अश्वनी कुमार के अंश में नकुल व सहदेव भी उत्पन्न होंगे। ये सब धर्मपरायण होंगे। दुष्ट दुर्योधन व पांडवों के युद्ध होगा और मैं युद्ध में माया फैलाकर रणभूमि में उपस्थित होकर परस्पर मारने की इच्छा वाले दुष्ट राजाओं का संहार कर दूंगी। मेरी भक्ति में लीन रहने वाले पुण्यात्मा धर्मनिष्ठ पांडु पुत्र के 5 भाई भी बच जाएंगे। इस प्रकार पापी राजाओं का संहार कर डालूंगी और पृथ्वी का भार मुक्त कर पुनः लौट आऊंगी। आप विष्णु जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे मानव रूप धारण कर पांडु की पत्नी के गर्भ में वे शीघ्र पृथ्वी पर अवतरित हों। भगवती के कहने पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे पृथ्वी पर अवतरित होने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इंद्र के द्वारा कुंती के गर्भ में मानव रूप धारण कर अवतरित होऊंगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर साक्षात भगवती देवताओं का कार्य शीघ्र करने के लिए अपने अंश में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुई और भगवान विष्णु ने भी महापराक्रम वाले बलराम तथा पांडु के दूसरे पुत्र अर्जुन के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव भी पीछे नहीं रहे, वो भी वृषभानु गोप के रूप में अपनी लीला से स्त्री रूप में जन्म लिया और राधा नाम से विख्यात हुए।